Our chairman, sir, would be giving the vote of thanks. Sure. The emotions. And it has to be something spontaneous. Isn't that? एकनाथ जी का किसी ने सुना है एकनाथ जी का चर्चा सुनी है एकनाथ एक संत थे महाराष्ट्र के बद्रीनाथ जी से बद्रीनाथ जी का जल लेकर क्या रहे थे नहीं गंगोत्री का जल लेकर आ रहे थे उनके साथ कुछ संत और भी थे और उनके साथ कांवड़ लिए हुए जा रहे थे और काशी में विश्वनाथ जी का अभिषेक होना था रास्ते में देखा कि कोई एक जानवर मूर्छित हुआ हुआ है बहुत पतले थे शरीर से दुर्बल थे लेकिन बहुत ऊर्जावान थे शक्तिवान थे सबसे संतों में सबसे अग्रणी वही थे और आगे आगे चलते 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 उन्होंने देखा कि एक जानवर निर्जीव सा हो गया है मूर्छित हो गया है डिहाइड्रेशन हो गया है और जो गंगोत्री का जल था उस पर डाला बदन पर छिड़का कुछ मुंह में डाला और कुछ चेतना उनको आई उसके बाद फिर और डाला फिर थोड़ा मुंह खुला फिर और डाला और बाकी संत इतने देर में आ गए थे वहां तक और देखा कि क्या कर रहे हो तुम ये गंगोत्री का जल इतना पवित्र जल तुम यहां नष्ट कर रहे हो इस जानवर के ऊपर तो कहा भैया कोई बात नहीं मैं तुम्हारी कांवड़ से थोड़ा सा जल ले लूंगा और अपने विश्वनाथ का अभिषेक कर दूंगा तो कहा कि नहीं तुमको पुण्य तो नहीं लगेगा पुण्य तो अर्जित नहीं हो पाएगा तो कहा कि कोई बात नहीं थोड़ा बांट लेंगे पुण्य अपने आपके पुण्य में से बांट लेंगे आपको मिल जाएगा कोई बात नहीं कहा कि नहीं पुण्य के भागी नहीं बनोगे तो उन्होंने कहा मूर्खो मेरा जो काशी विश्वनाथ है वो तो यहीं मुझसे कह रहा था मेरी सेवा यहीं पर रहो मेरा अभिषेक यहीं करो मैं सोचता हूं आज का जो विवेकानंद है उसका हमको यहां पर सम्मान करना है और हमारे लिए इससे बड़ा गौरव का विषय कोई नहीं हो सकता विवेकानंद संस्थान के लिए एक जीता जागता विवेकानंद जिनको जिन्होंने हमको उनका उद्घोष सुनाया उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरं निबोधतः उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरं निबोधतः राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू द किक ऑफ ए फुटबॉल देन थ्रू द प्रीचिंग ऑफ भगवद गीता ही वॉज ए प्रैक्टिकल वेदांतिस्ट कितना उनके उसमें सार था जीते जागते विवेकानंद की नहीं करना उपासना नहीं करना हमने आपको पहले व्याख्यान में पहचाना और ये देखा कि आप जो जीवन जीते हैं आपने तो विवेकानंद जी के पूरे जीवन को आत्मसात किया है जीते जागते विवेकानंद हैं आप हम आपको सब नतमस्तक हैं आज और आप हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमको गौरव प्राप्त कराया कि उनके जो जिस प्रकार से आपने विवेकानंद जी की बहुत चीज़ें सुनाई और उनमें से एक ये भी थी कि ब्लेंड द ईस्टर्न विजडम विद वेस्टर्न साइंस जिन्होंने फ्रिट्ज़ ऑफ कैपरा को पढ़ा हो नोबेल प्राइज विनर को जिसने केन विबलर को एक अपना इंटरव्यू दिया था केन विबलर वाज आल्सो अनदर नोबेल ल्यूरेट तो उन्होंने कहा था आवर साइंटिस्ट नीड टू बी इंस्पायर्ड बाय द बुद्धास विजन ऑफ वननेस ऑफ मैनकाइंड आवर साइंटिस्ट नीड टू बी बुद्धास और एल्स विदाउट द होलिस्टिक विजन ऑफ वननेस ऑफ मैनकाइंड The rational science is going to destroy civilization. तो वो जो हमारा उपनिषदों का जीवन दर्शन है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि यो न पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजगुप्सते बताया आपको संबोधन किया कि उन्होंने कहा कि
अमेरिका के भाइयों और बहनों इतनी आत्मीयता इतनी समीपता इतना एक रिश्ता स्थापित कर लेना और जिन शब्दों में आपने कहा है सर और जिस प्रकार से आपने उनको यहाँ प्रतिपादित किया है कुछ ऐसे आपके कुछ सिद्धांत हैं जो मैं भारत की अर्थव्यवस्था पर जीडीपी पर जो सोना आपका वो आपका मौलिक चिंतन है उस मौलिक चिंतन के को हम नमन करते हैं आपको शत शत प्रणाम करते हैं और विवेकानंद संस्थान आपकी सोच के अनुरूप हम कुछ कर पाएं और केवल भौतिक उस पर विकास पर न रह जाएं हम आत्म विकास भी करें और हम देश को विकास भी करें और देश को भी आगे करें और माँ भारती की सेवा में हम लोग लगें ऐसी हमारी सोच रहेगी और हम सब लोग मिलजुल करके आपके सपनों को साकार करेंगे आपका मार्गदर्शन को मिलता रहेगा आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री नड्डा जी यहाँ आए वैसे तो हम उनके रास्ते में पड़ते हैं वो हिमाचल जाते हैं तो कम से कम यहाँ से गुजरना पड़ता है मेरा विनम्र प्रार्थना रहेगी जब भी आप इधर से दौरे पर जाएं हिमाचल तो कम से कम यहाँ पर आपका पदार्पण हो तो हमको आपकी जलपान की सेवा का मौका मिले थक भी जाते होंगे दूर रास्ता है क्योंकि वहाँ तो सारे टेबल टॉप रनवे हैं तो बड़ा रिस्की होता है शिमला में मैं भी गया हूँ दो चार बार और वो छोटा जहाज जब उतरता है तो बहुत खतरा होता है सर जब भी आप जाएं तो आप इसको एक यहाँ पर एक स्थान बनाएं जहाँ आप थोड़ी देर के रुकें और हम लोगों को सब मार्गदर्शन करें मैं बहुत बहुत आप सब लोगों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरे संस्थान की ओर से पूरे यहाँ पर जितने प्राध्यापक बैठे उनकी ओर से हमारे छात्रों की तरफ से कि आज ये गौरव हमको प्राप्त हुआ कि माननीय बजरंग लाल जी यहाँ आए वो स्वयं प्राध्यापक थे स्वयं पढ़ाते थे सब कुछ पीएचडी भी किया लेकिन उस जीवन के उस दर्शन को जीना और आत्मसात कर लेना ये स्वयं में बहुत अद्वितीय बात है जिसको मैं पुनः आप लोगों की तरफ से शत शत प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका